2012 के निर्भया गैंगरेप में फांसी की सजा पा चुके चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरिटी पिटीशन दायर की है। इसे 5 जजों की बेंच सुनेगी। क्यूरिटी पिटीशन या सुधारात्मक याचिका किसी दोषी के पास मौजूद अंतिम कानूनी उपाय होता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। इन चारों को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। क्यूरिटी पिटीशन तब दायर की जाती है जब किसी दोषी के पास राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज हो जाती है। तब क्यूरिटी पिटीशन ही उसके पास आखिरी मौका होता है। क्यूरिटी पिटीशन के जरिए वह खुद को मिली सजा में नरमी की गुहार लगाता है। दोषी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग करता है। यह विकल्प इसलिए होता है ताकि न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो। राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज होने के बाद कोई भी मामला खत्म हो जाता है, लेकिन 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन के केस में यह अपवाद हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरिटी पिटीशन पर सुनवाई करने की मांग स्वीकार की थी। क्यूरिटी पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उपचार। क्यूरिटी पिटीशन दायर करने वाले को ये बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। क्यूरिटी पिटीशन की शुरुआत 2002 में रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य केस की सुनवाई के दौरान हुई थी। ये मामला तलाक का था। इस मामले में पति पत्नी ने पहले आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन बाद में रूपा हुरा मुकर गई थी। बहस के दौरान जब सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट से भी दोषी साबित होने के बाद क्या किसी दोषी को राहत मिल सकती है, नियम के अनुसार ऐसे केसेस में पीड़ित व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाल सकता है। फिर सवाल उठा कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए तो क्या होगा। तब सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसलों में सुधार करने के लिए क्यूरिटी पिटीशन का कॉन्सेप्ट लेकर आई। क्यूरिटी पिटीशन का किसी वरिष्ठ वकील द्वारा सर्टिफाइड होना आवश्यक होता है। इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम जजों और जिन जजों ने फैसला सुना है उनके पास भी भेजना जरूरी होता है। अगर इस बेंच के अधिकतर जज इस बात से सहमत हो जाते हैं कि दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, तब क्यूरिटी पिटीशन को वापस उन्हीं जजों के पास भेज दिया जाता है।